हापुड़ में सामूहिक विवाह समारोह में 66 जोड़ों की शादी। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं हापुड़ हलचल। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत धौलाना ब्लॉक के राज शगुन फार्म हाउस में गरीब एवं बेसहारा लड़कियों की शादी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे ब्लॉक प्रमुख निशांत सिसोदिया ने नवयुग करीब 66 जोड़ों को दान के रूप में सामान एवं सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि देते हुए कहा कि सरकार सभी वर्ग की बेटियों के सम्मान के लिए सदैव कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह के रूप में 51,000 रुपये की धनराशि उनको दी जाती है, जिसमें सामान भी है, खाना खर्चा भी है, पैसे भी हैं, जिससे उनकी जो आंशिक मदद सरकार कर सके उन गरीब कन्याओं की। तो एक साथ सब कन्याओं को बुलवा कर, पूरे नवविवाहित जोड़ों को बुलाकर ये क्षेत्र ब्लॉक स्तर पर जो है ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया और आमजन को सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, जिससे अब गरीब की बेटियां भी विवाह के बंधन में बंध सकेंगी और सरकार की इस योजना की लोगों ने जमकर प्रशंसा की। आज यहां तहसील हमारी धौलाना में, विकास खंड धौलाना और नगर पालिका क्षेत्र पिलखवा जो है, उन दोनों का सम्मिलित एक ही जगह करते हुए कार्यक्रम कराया गया, जिसमें 26 जोड़े हमारे नगर पालिका पिलखवा क्षेत्र के और 48 जोड़े पंजीकृत हमारे विकासखंड धौलाना के विभिन्न गांवों से आज यहां पर लोग आए हैं। ये पंजीकरण संख्या इनकी कुल जो थी वो 26 और 48 है, जिनका कार्यक्रम अभी भी चल रहा है और संभवतः 40 से ऊपर यहां विकासखंड धौलाना के और 23 अभी तक यहां पर नगर पालिका पिलखवा के सामूहिक विवाह के जोड़ों का कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है, बाकी कार्यक्रम अभी चल रहा है।